उम्र लकोर मर जाने डाडी ने काली कर रहा से क्या बात है। अरे एक टॉपिक पे अपने मन सा गाना बना रखा है पर वो है कि कौन सा गाना गाओ बीबी है युवा जी। देखो मैं पहले भी देखिए बट बबर की बोल रही मेरे गले कौन लोग मैरिज कर लिए और हमारा हमारा डैडी का धीरे धीरे 5 साल तो गड़े में मुंह देके मैंने रियाज कराया है। अच्छा तब जाके छोटा का भी आ जाएगा मोटा थोड़ी हो जाए बाद में। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने जगिल कुराड़ की और राम राम। आज मैं ऐसे बंदे था आपने मिला दूंगा जो छोटी छोटी वीडियो तो बहुत बड़ी रकम कमाए गया भाई। आप लोग देख सको गधा का ऊपर ग्लास है बेकार गढ़ क्याणु है तब पंचायती उम्मीदवार है हाथ भी देख लो टेडे जोड़ रहा है। यूं पूछेंगे के तो मसला है यूके नहीं कैमरा मैन तक हूँ कैमरा चुगुरता होगा मैं दे भाई प्रॉपर तरीका दिखा दे भाई। डॉक्टर सोनिया नैन का जो ऑफिस है आप लोग सारे सारे जानो हो। राम राम जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार गिल साहब सुनाओ और ठीक हो मौजूद बताओ जो पॉजिटिव वाइब है। नमस्कार जी राम राम जी जल्दी जल्दी करता ही है यार सारे बाण भाई ना जी त्राट भाई की राम राम। समय जो है जीवन में बहुत कम है। अच्छा जी। और इस समय को मैक्सिमम कैसे जा सकता है। सफर लंबा हो तो क्या करेंगे स्पीड बता देंगे जल्दी पकड़ांगे इंजॉय जल्दी लेने के लिए हमने जल्दी बोलना शुरू करा भाई। कम समय में इंजेक्शन देंगे डोज देंगे हंसी मजाक का लाड प्यार का और उसके लिए थोड़ी स्पीड बता दी। देखो आप नेपाल में भी फेमस हो हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश में भी साउथ कोरिया के दर्शक जानना चाह रहे हैं आपका गांव गुआंड जिला तहसील के बारे में। क्या बात है जी हमारा बहुत ही प्यारा गांव है जी भिवानी जिला पड़ता है शिवाड़ा सिटी। शिवाड़ा सिटी हमारा गांव है जी भिवानी में रिहायश है। अच्छा आजकल हिसार में है काम धंधा देखो जो दिहाड़ी करनी पड़ेगी साहब मजबूरी है दिहाड़ी आदमी कहीं ना कहीं करता है दिहाड़ी अपने हिसार में इसलिए आजकल हिसार। अच्छा न्यू बताओ न्यू भी सुन में आवेगी अब रोड़ा के ठेके भी ले करो। बहुत ही जायज बात सुनी जी आपने पिछले 2008 से 2008 से लेके और 2023 तक 2022 तक इतने साल अपन रोड बनाई है नहर बनाए हैं रेलवे ट्रैक बनाए हैं स्टेशन बनाए हैं सारे सौदे बनाए हैं बिल्कुल बना बना के जब छक लिया मखाई बनाने तो कुछ नहीं होया रोज नहीं होया करती भाई यो बना दे बराने के में लगा यो बना दे बराने के में लगा वो के कद्दे नहीं आया मखाब कुछ नहीं बनाते लाइफ का एंजॉय लेंगे सिर्फ। अच्छा। सारा सौदा दर दिया दाती गंडासी पल्ली सब साइड में कर दी और थारा भाई लेकर बेटा जिंदगी का फल लेना। अच्छा जी बताओ उम्र तो आपकी ज्यादा है लेकिन वीडियो बनाओ जो बड़का इतनी टिकटॉक पे उस पर इंस्टाग्राम पर रील बनाओ यू कुकर मन भाई है या किसने कह दी उम्र ज्यादा है दौड़े बोड़ा रे जी कैमरा मैन तक हूँ आगे ना आगे दिखा भी दे भाई देखो जो उम्र है ना शरीर से आप उम्र को मत तोलो। अच्छा जी उम्र जो है ना एक मन का फैक्टर है 12 साल के बाद जो है ना मेरा मानसिक विकास होना बंद हो गया आज तक मेरी उम्र 12 साल है शरीर हो सकता है आगे चला गया हो कोई दिक्कत नहीं है पर मानसिक उम्र 12 साल बस दैट्स इट मरूंगा इतना 12 साल करूंगा। अच्छा नहीं बताओ फिर 12 साल क्या पढ़ोगे यू आईडी है जो मिनी ब्लॉक मेरे से तापे ने स्टार्ट करया है बिल्कुल किसता देखा कि उकर आईडी आया मैंने आपको बताया जी सफर है लंबा समय है थोड़ा क्या करेंगे उसके लिए आप बताओ क्या करोगे आपको यहाँ से जाना है जी अमरीका 25,000 किलोमीटर पड़ा है आप गाड़ी में तो कौन जाओ जहाज में जाओगे जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है उसको छोड़ के 800 किलोमीटर वाले को पकड़ोगे। हमने भी भाई लंबे सफर को छोटा करने के लिए जल्दी निपटाने के लिए स्पीड बता दी अपनी और सारे भाइयों ने पसंद बहुत आई। अच्छा एक बात बताओ आपने स्पीड बता दी लेकिन जबान की स्पीड किस तरह बताई है फिर। हाँ ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने देखो रियाज कोई भी आप काम करते हो पीछे तानसेन सुने होंगे आपने म्यूजिशियन हुए बहुत भारी हुए उसके बाद अपनी लता मंगेशकर होगी मोहम्मद रफी साहब हो गए वो सब रियाज का खेल आप रियाज करो धीरे 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 5 साल तो गड़े में मुंह देके मैंने रियाज कराया है तब जाके हाँ तब जाके ये बात बनी है। अच्छा ना सारी साची नहीं है बात सारी साची को लेकिन पब्लिक तो यूं कहने लग रही है छोटे छोटे वो लोग बनावे रकम बड़ी कमाएगी। हाँ बिल्कुल सही देखो जी कमाई दमाई उपराले के दया था मैंने जिस दिन वो दाती गंडासी धरी ना उस दिन मैंने अपना लास्ट का जुगाड़ करके धरी थी रिटायरमेंट ले लिया था भाई इतना ताम झाम मेरा हो गया भाई मैं दाल रोटी सारी उम्र में खा सकता हूँ। सोशल मीडिया में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था फन जो हम लाइफ को फन के साथ जी रहे जो हमारे संबंध आपस में पति पत्नी का लगा लो ससुराल के साथ लगा लो भाई भाई के साथ लगा लो भतीजा भतीजों के साथ लगा लो इन संबंधों में जो मधुरता है जो जीवन जीने का एंजॉय मैं ले रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ हमारे सारे भाई हरियाणा में जितने पंजाब हरियाणा के ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी हमारे भाई है ना संबंधों की मधुरता को समझें और प्यार प्रेम से एंजॉय के साथ जीवन का यापन करें
तब करके आपने ये व्लॉगिंग वाला सिस्टम शुरू करा था। बिल्कुल बताओ जी तो तेज बोल रहे आप तंग तो लाले पूरे आ रहे हो फिर ना ना तंग क्या ना भैया मजा सारा जी सारा है कच्चे से कट रहे हैं। अच्छा अच्छा न्यू बताओ जो आपका यू मैं न्यू लागे की आपकी बॉन्डिंग बड़ी है लो मैर जाएगी आपकी आपने क्या लागे है मैंने तो लागे है न्यू दो भाई इसी बहू ने टो कर लिया आया और उसके बाद बॉन्डिंग ऐसी बन गई ये बात आप कह सकते हो। देखो जो दो बात चुकर के आ गया वो डाला घेर ले पड़ जाए क्या होता है चाहे डाला पड़ जाए चाहे डाला घेर ले बस वो तो दोनों का गेला वो है इनने मेरा गेर लिया और मैंने इनका गेर लिया तो बॉन्डिंग अपने आप बढ़ जाती है। कैसे न्यू बताओ जब मतलब कि अपना बयान आए थे न्यू तो क्या होगा मतलब कि बटे उकाड़ा है ताने कितने मारे थे ना नहीं मारे भैया आज देखो नहीं मारे ताने हमारे समाज में जो है ना बटे का रुतबा मैं बताता हूँ आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप बाजार में चले जाने लग रहे हैं आपने एक पीली बुरशट दिख जा पार टंगी चमकती पीली आम के बहुत मुंडी कौन लिया पर वह पीली बुरशट मैं आपने लाके दे दू भाई गिफ्ट है वो अच्छी लगनी शुरू हो जाए। जब तक वह चीज मार्केट में मारी नहीं है हमने अच्छी नहीं लगती जिस दिन वह चीज मारी होगी मारी पोजेशन होगी उस पर मालिका नाक हो गया हमने वह बढ़िया लगन लगे जमीन हमारी बंजर हो चाहे किसी पे दाता लाई जमीन हमने बढ़िया लगे सब। तो भाई जब तक हमारा ब्याह शादी नहीं होता भाई सारे भाई हमने चलो अलग अलग नजर से देखते हैं शरीर की सा रंग की सा बहुत से सिस्टम औरतों के देखने के लिए मानस को कैसे क्या सेट मानस को कैसे क्या चेक करना चाहिए पर एक बार को आपके फेरे हो जाते हैं ना तो वो सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। फेरे में ताकत बहुत होती है। अच्छा। ये बात आप पहले चेक बंदे को किस नजर से देख रहे हो सुथरा नहीं है बुढ़ा है न्यू है न्यू है पर फेरे में इतनी ताकत है वो चेक कैसा भी है आप उसके साथ ऐसे जुड़ जाते हो कोई फील ही नहीं होता कुछ नहीं इनका मतलब तो शुरुआत है बिहेवियर था मतलब न्यू था तेज तेज बोलने वाला या पर बात में होया कुछ नहीं तेज तो खर भैया आप ज्यादा तो तेज अभी बोलते हैं जैसे व्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं वैसे तो नॉर्मल ही है। अच्छा। पर ये मजाक या नेचर जैसे हसमुख है ये बचपन मतलब शुरू से ही है मतलब मैं तो जुड़ी हूँ ना तब से मैं इनको ऐसे ही देख रही हूँ। अच्छा, शराबी भी है देखो मैं पहले भी बताया आदमी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर एक चीज का शरीर दिया भगवान ने और ये शरीर को भोग देने के लिए काफी सारी वस्तुएं हमारे को दी है जी खाने की है पीने की है पहनने की है देखो आज आप अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं हमारा फर्ज है शरीर को पूरा भोग प्रदान करना वहां तक प्रदान करना जहां तक इच्छक नहीं लेता आप मना नहीं करेंगे अपना भाइयों के आगे कभी कभार हम शाम को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल वे में ड्रिंक कर लेते हैं। बताओ जुगर लाले आपने जब स्टार्ट करी थी वीडियो बनाने की अगर क्या के रिएक्शन था मैडम जी ने खड़काए सुसरा ने खड़काए किसने खड़काए। अच्छा मैं बताता हूँ आपको स्टार्ट कैसे हुई बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी हम लोग मैं सोनीपत में पढ़ा हूँ जी 1997 से 2001 तक वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी वहाँ पे अपने एक टीम है टोल है हर एक आदमी का होता है बाई चांस मैं वहाँ गया हुआ था जी आज से लगभग 2.5-3 साल पुरानी बात सारे भाई बैठे थे सामने मैं फिर जमा रखी थी 20-25 मानस बैठे थे उम्र होगी हमारी अब लगभग मान ली 45-40 मेरी उम्र होगी मेरे साथ के जितने मानस थे ना इतना इतना पेट छोड़ रहे बाड़ा देख खत्म हो गए पेट छोड़ रहे आख्या मत आई आ गई चश्मे चढ़ गए उनको देख के मैंने बड़ा बड़ा गलत फील होया जी उनको देख के तो अगले दिन सुबह जो उठा हूँ मैं एक आदत सी है मेरी सुबह मॉर्निंग वॉक हल्की थोड़ी एक्सरसाइज कर ली कोई जॉगिंग सी कर ली वहां पे मैंने एक वीडियो बना दी मैं कहा भाई सिर्फ पीना पीना नहीं है थोड़े पास दौड़ कर लिया करो खाट में पड़े पड़े 10 बजे तक खाटा में पड़े रहो गड़ जाओ एक इतनी सी बात उनको कही वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो घेर दी अब उनके पास चलेगी बात खत्म होगी मैं अपना काम धंधा में लग गया अब क्या होता जी 2-2.5 महीने बाद आप जैसा एक भाई मिल गया उसने जब तक तो इंस्टाग्राम चलाया भी नहीं करते हम उस भाई ने इंस्टाग्राम दिखा दिया मेरे तीनों आंगली करो और एक एक मिनट का स्वाद सा आ गया महीने भी इस दिन अपने इंस्टाग्राम चलाया अब क्या होता है मैं कहा यार इसमें गेरे क्यों कर न्यू बता इसमें किस तरह के सिस्टम बनेगा अब उसने जी अकाउंट बना दिया मेरा फोटो फाटो ला दी पहले बता क्या करना है मैं कहा देख वीडियो वाह वीडियो पा गई वाह उनको बता रहा कि सो रहा थे अब भाई हंडा फ्री कर लिया और गड़ जाओगे वाह वीडियो उसने घेरी थी जी और वाह वीडियो घेरते मान के चलो मिली नाम चली गई और वो उसके बाद फिर आज का दिन है फिर तो हम धीरे 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 अच्छा न्यू बताओ फिर साड़ी सूड़ी के कह रही है फेमस भी हो गए तू कर साड़ी तो है ना जी हमारे समाज में एक बड़ी शर्माऊ सी कौम है प्रजाति है मेरा बड़ा लाड रहा वो एक बार जीजा कहते मेरा दिल खुश हो जाए तो उसका चाहे तो हमने 1,000-5,000 खर्चा करना पड़ जाओ कोई आट नहीं पर अपना क्या कर नहीं देती बच्चे उन्हें ठाए ठाए डोए डोए अमरीका दी ले जाए उल्टा लिया पर वो जीजा नहीं कह के देती आड़ा रास्ता है बेरा नहीं एक सुदिन दिन आओगे अपने के है ना अपने बड्डी जो साड़ी हुआ करे ना जीजा ना कहा करे छोटी तो जीजा कह देंगे पर बड्डी नहीं कहेंगी स्वाद नहीं आता यार आत्मा से नहीं करती है
आनंद आपसे की कजब तो बात बने। आप किसी अल्ली तो लल्ले पूरी चिढ़ रही होगी आप तक, क्योंकि आपका हस्बैंड फेमस हो रहा है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, सब प्यार प्रेम बहुत है भैया सबके अंदर, ऐसा कोई चिढ़ने वाला कोई बंदा ही नहीं हमारे उसमें। ये थोड़ी सी जो है रिजर्व नेचर की है, रिजर्व नेचर होता है आदमी का भाई, घर का काम करा, दाना खाना जो अपना काम है उसमें परिपक्व हो, पूरी तरह से एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल मानो आप, खाना इतना अच्छा बनाती है, बाकी सारे काम बहुत बढ़िया करती है, पर जो एक ओपन नेचर है जी आपके साथ मिल गया, जैसे आज आप बैठ रहे हैं, कल आपने को भाई गला बैठा था जन्मा का बैठने लग रहा है, एक आदमी का नेचर होता है। अरे एक आदमी साहब ऐसे राम राम सिकरी कून पकड़ गया, वो थोड़ी रिजर्व नेचर की है, उसके साथ थोड़ा सा नेचर का इशू। बताओ अगर आपकी धनुमा की मतलब लड़ाई हो या करें तो किस बात पर आकर है? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, लड़ाई मेरे ख्याल से मर याद नहीं आ रही लास्ट कब हुई थी, तेरा भाई याद है? ऐसे लड़ाई नहीं होती मतलब किन किन बातों पर नोक जोक तो होती होगी, जो मतलब एक वाइफ के नोक जोक वाले आदमी दिखे हैं आपने, नोक जोक वाले है ही नहीं जमाने वाला। वो सारी बात आ गई मेरे याद है, ले भाई साहब लोगा मेरा ना दूत बाजा रे मारी के लड़ाई नहीं होती, बोले बा उठे इतना चा बना दूं हैं, कब कब दोगे रोटी टुका कर दूं, मारे क्या लड़ाई होती। तो जब आपके पास प्रेम ही आपके पास इतना हो जो खत्म ही नहीं हो रहा हो, लड़ाई ने कड़े से कहा। ठीक है बात, डिमांड क्या कह रहा हूँ जो साड़ी की कौन सा कलर की है किस तरह प्रकार की डिमांड? ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जो फिल्टर चल गया ना, इनने थोड़ा सा मन भटका दिया है, डेली कोई ना कोई आ जाए, कोई ना कोई उसमें इंस्टाग्राम में सूट छाप गया, लेकिन मैं मोर छाप रहा हूँ, मैं तीतर छाप रहा हूँ, कभी कभार बेचारी को प्रलोभ बना जाता है, पर कोई बात नहीं, चलो इतना तो भाई मन है, करना भी चाहिए आदमी का। और बताया जो बैम भी हो रहा है पब्लिक का की के है छोटे छोटे वीडियो जो बहुत सारा, इससे इनकम कितना कर ले सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया से मान के चलो जी बहुत ज्यादा इनकम हम लोगों को नहीं हो रही, इतनी मानो जो हमारा खर्चा है वो निकल जाता है। अच्छा। कुएं की मट्टी कुएं का लग जाए अगर सीधी सीधी बताऊं आपने, इनकम के लिए तो दिहाड़ी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया एक फन लविंग पार्ट टाइम एक्टिविटी है जी, आप अपने मेन काम के साथ साथ सोशल मीडिया को लेकर चलो, अगर आपके पास जील है आपके अंदर इच्छा है तो ये लेके चलियो, ना तो बोझ बन जाए समस्या बन जाए, कौन उठा जाता है। बिल्कुल। आपने पढ़ाई लिखाई कितने का? मैं साहब डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, MBA किया, उसके बाद मैंने उसके बाद 8-10 साल मैंने नौकरी भी किया, 8-10 साल में बिजनेस भी किया अपना, और अब दोनों चीज़ों का एक बढ़िया सामंजस्य बैठ गया जी, काम धंधा भी ठीक चलने लग रहा है और सोशल मीडिया पे भी भाइयों ने अच्छा प्यार दे रखा है। बिल्कुल। अपनी के कुछ है जी पढ़ाई लिखाई? मैंने तो प्लस टू कर रखी है। अच्छा जी। और मतलब अपनी फैमिली में कौन कौन है? एक हम दो ही भाई है जी हम लोग, बड़ा भाई हमारा, बड़े भाई की लड़की है सोनिया, और लड़का आनंद आप देखते हो सोशल मीडिया पे आता है, बड़ा भाई है, और पिताजी हमारे जा चुके हैं जी, बड़े हमारे पिताजी भी बड़े महान आत्मा मान के चलो जी, बड़ा जैसे यार होते हैं ना, ऐसे पिताजी वाला तो संबंध नहीं था, फ्रेंडशिप वाला संबंध था हमारा। बड़े भाई हैं, उनके पास दो बच्चे हैं, मेरे पास एक लड़का है, वो हमने पटियाला छोड़ रखा है, हॉस्टल में है, वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है। इतना यार अपना पिछले सोशल मीडिया तो पॉपुलर है, अब इस तरह और के काम अपने क्या क्या बिजनेस है? पहले तो जी हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, मान लो रोड बनाना हो गया, रेलवे बनाना हो गया, आजकल क्या हो गया वो काम तो दिया छोड़, अब जो इक्विपमेंट थे हमारे पास मान लो जैसे JCB होगी, पोकलेन होगी, डंपर हो गए, आईवा हो गए, ट्रेलर हो गए, ट्रैक्टर हो गए, टैंकर हो गए, ये जो आइटम है जो किराए पर दे देते हैं, और उसके लिए दो तीन मुंशी हैं जो हमारे, कोई तो अपना चाचा ताऊ का बालक एक आधा, तो एक आधा और जैसे वो साधन देखते हो आप, वो साधन भी संभालता है जाके, तो मैनेजमेंट हो जाती है, अब ज़्यादा भड़क नहीं है हमारे जीवन में, वो किराया पर देते हैं, महीना दिन बिल देते हैं, अगले किराया देते हैं, अपनी दिहाड़ी लेकर जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, इनकी जीत जाएंगे कोई भी कमी बताए तो इन्हें दूर कर लेनी चाहिए। कोई है ही नहीं भैया, नहीं देखो मेरे को तो कोई कमी लगती नहीं है। खूबी के है, चलो खूबी बता दो। खूबी तो सारी है भैया, के बताऊं, खूबी तो दिखने लग रही है सारी दुनिया ने, अपने मुंह तक के बताऊं, वो बतावे तो जब जब आदमी ने ना दिखता हो, ये सब ने दिखने लग रहे हैं खूबी तो। तो नहीं लड़ाई कभी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, इनमें मैंने बताई जी आपको, आप ड्रिंक करो रेस्पॉन्सिबल वे में, ड्रिंक करो, बहुत बढ़िया चीज़ है। पंजाब के अंदर हम चले जाते हैं जी, बड़ा अच्छा सिस्टम उन लोगों का, पूरा परिवार साथ में हंसता बोलता है, ड्रिंक कोई इशू ही नहीं। हरियाणा में थोड़ा सा माहौल हम लोगों ने खराब कर दिया इररेस्पॉन्सिबल ड्रिंक के कर। बिल्कुल बिल्कुल। लाइट से करो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बड़ा फन लेते हैं, बड़ा इंजॉय लेते हैं, कभी बाहर जाते हैं कभी अंदर जाते हैं, बढ़िया। अच्छा, गाने किस किस कलाकार के सुने करो जी? गाने तो जी आप पूछो ही ना, आप जितने भी कलाकार हैं ना सारे का सारा को छोड़ नहीं रखा। अच्छा। जितने भी अपने इबत सुनाया था ना, उम्र लको रहा मर जाने डाडी ने काली कर रहा से, क्या बात है। अरे एक टॉपिक पे अपने मन सा गाना बना रखा है,
पर वो है कि जब वो सेम सिचुएशन आती है ना फिर वो गाना याद आता है, इतना याद नहीं होता। गाने का यही है भैया, थोड़ा अंदर चले जाओगे तो वहाँ कुछ याद आ जाएगा, उस पे गाना सुना देंगे। मतलब ये है कि मिनट मिनट में एक और खासियत उठते हैं ना, सुबह उठते हैं तो मुँह से गाने ही निकलते हैं। मैं एक और खासियत है भाई, सुते उठते मेरी आँख खुलेगी ना अपना आप। आज मेरा गाना कौन सा याद आ रहा, आज कौन सा गाँव था वो, दुल्हन का चेहरा सुहाना लगता है। सुते उठते यार तेरा हो के रहा है, उठ का आदमी चाय पियो पानी पियो, मैं अंगड़ाई तोड़ के गाना गाने लग रहा हूँ। मतलब सुते सुते राम राम जी, आज मैं पहुंच गया, न्यू करके न्यू करके हो गया। देखो इतने दिन से इस प्लेटफॉर्म पे है तो पता चल ही जाता है लोगों को कि क्या छुपा रहे और क्या नहीं छुपा रहे। ये छुपाने की चीज है ही नहीं, मुंह को रोक सकते हो पर जो चेहरा है ना वो नहीं, ये आपकी फीलिंग बता देगा अगर आप खुश हो नाराज हो जैसा भी हो चेहरा बता। अच्छा आप इनके लिए कौन सा गाना गाओगे जो पब्लिक अपना चाहे सुनना चाहे तो कौन सा गाना गाओ? मिले हो तुम हमको नसीबों से आगे तो कौन यार, ये गाने कौन यार बड़ा गाते मरा के मार दे मेरे लग गया, आगे लो लग गया तो लो लग गया। अच्छा 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 आगे कौन गाना बोले, अरे नेचरों नेचर है वो शाही नेचर है जी उसका, उस पर करा नहीं जाता, फीलिंग बता दी अगली। हां फीलिंग बता दी। हां अच्छा यूं बताओ इंडिया में कहां कहां घूम लिया? इंडिया में हम लोगों ने देखो जी एक तो हरियाणा दौरा करा, जो हरियाणा की लुकी छुपी चीजें थी ना वो सारी आप लेके आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम हरियाणा में कदर नहीं कर रखी थोड़ी सी, अगर उसकी कदर करी जाए ना तो मान के चलो हमारे पास भी काफी कुछ चीजें हैं। उसके बाद ये हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये वाला एरिया करा है। एक मेरी कोशिश है कि हम एक दौरा करें जी कश्मीर से कन्याकुमारी का, ऑल ओवर इंडिया टूर करके आए, मरने से पहले सारी धरती देख कर चांद अरब के नाम मार्स तक जाके आना, प्लान यहाँ तक है हमारे। ठीक है आपका कुछ प्लान है जी? साथ में है जी हमारे, अलग नहीं चलते प्लान, देखो हमारा कोई प्लान अलग नहीं होता है, बिल्कुल सब एक जैसे है। ला भाई इनकी 55-55 साल के हो गए हैं ये, लेकिन आज भी इनका सलाजों का भर है, खूब इनमें प्यार है, मेरे से आप ताज का यूथ में इतना प्यार रह रहे हो। ये हमारा मेन उद्देश्य ही है जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, सम्मान टिके नहीं पा रहे, कोर्ट भरे पड़े तो लॉक के साथ है। आज ब्याह होया है जी, महीना दो महीना यार के जुलम हो गया है भाई, हम ऐसी अग्रेशन क्यों आ रही है, इतना उचाटी पड़ा क्यों आ रहा है समाज में, एक जो टॉलरेंस होया करते हैं पेशेंस होया करता वो खत्म होता जाने लग रहा है। तो थोड़ा सा आप देखोगे ना जो बोला देख आप घर बरता आप घर, जो अगर ब्लॉग में भी आप देखते हो ना कहीं पैसे वाली आपके दिमाग में हिट करता है, आपके दिमाग के अंदर जाता है, कल को जो आप अपने संबंधों को ट्रीट करते हो ना कोई यहाँ से इनपुट जरूर लोगे आप, कहीं ना कहीं लाइफ में सुधार होगा। हमारे लिए कहीं मिलते हैं ना किसी को तो वो बोलते हैं आपकी वीडियो देखते हैं तो जी ये सुधार किया अपने घर में, देखो मेरी वाइफ के साथ अच्छा नहीं था मेरा, उनके साथ भी अच्छा होने लग गया, बॉन्डिंग अच्छी होने लगी है, बच्चों के साथ ऐसे करने लग गए हैं, बाहर ले जाने लगे हैं, घुमाने लग गए हैं, भाई बच्चों का मन करते हैं वो करते हैं जैसे। अच्छा आपने एक बात कबीर है, मतलब इनकी बहुत सारी महिलाएं बहुत ज्यादा फैन हो रही हैं। बिल्कुल है, बहुत खुशी मिलती है मेरे को। अच्छा, खुशी मिला है। बहुत खुशी मिलती है भैया। गांधी भी होगी जो मिला खतर आड़ आड़ा तो यहाँ भर रही नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझसे नहीं मिलती है, इनसे पहले मिलते पर ऐसा कभी फील नहीं होता है मुझे, मेरे के सामने तो हम भर रहे होगी खुशी मिलती है, अरे पाचा तो इनके कान मरोड़ते हो। नहीं ऐसा नहीं, बड़े जो है ना बहुत सारे प्यारे भाई सारे प्यारी बहने बहुत है, बहुत बहुत देखते हैं बहुत मिलते हैं हमारे को, पर जो वो कॉम्प्लीमेंट देती है ना जी आपको देख के हमारे संबंधों में सुधार आया, बड़ा दिल प्रसन्न हो जाता है जी, गर्व का अनुभव होता है हम लोगों को और खुशी मिलती है इस बात। उसमें मेरे को ऐसे फील होता है ना मुझे ऐसे पति मिले हैं मुझे। अच्छा। कि दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं वो। अच्छा, मतलब हो रहे हैं लोग इंस्पायर। जन्म तक अपना ऐसा ही पति चाहिए, जितने भी जन्म मिले भगवान जितने भी जन्म दे उसमें मुझे यही पति चाहिए, सात जन्म वाला साथ है हमारा तुम्हारा, नहीं क्या पता भगवान 15 दे दे मैं साथ क्यों मांगू, भगवान जितने दे उतने जन्म में मुझे यही पति मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने छोटा है इंटरव्यू देखा है, आपने यूथ देखने लग रहे और आप कहानी भी देखने लग रहे आपने, जिसके मतलब कि दान जाड़ बह रहा लिए गोडे अड़के हो गए दौड़े बाढ़ सही बात है। तो जी सारे के सारे जो हमारे दर्शक भाई हैं सबसे एक ही निवेदन है, जिंदगी मानव मानस का जो जन्म है ना बड़ा रेयर मिला है जी, कुत्ते बिल्ली तो बतेरे हंड है, इसको मानस की तरह जीवांगे अपा सारा, चलो देखो पार्ट है कमाई तमाई एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है करना पड़ेगा पर संबंध भी एक जरूरी पार्ट है, दोनों को बैलेंस बना के चलना है और लाइफ का एंजॉय लेना है। जिस दिन आपको ऊपर तक यमराज लेना हो ना उस दिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए, धोखा पश्चाताप आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बाज के तो टप चढ़ जाना है, यमराज जिंदगी का जीसा ले लिया चाल चढ़ ले चल, कब स्वाद है जीवन का। आपने बात कही लेकिन आपने गद्दा बगलास के अंदर टेक रखे है। हाँ ये आ जाओ जी मैं आपको वही बताऊंगा, इसके पीछे एक छोटा सा कारण था जी,
हमारे जो है ना पिछले काफी साल से लगातार 60% 61% ये वोटिंग परसेंटेज चल रही है। आदमी जो है ना वोटिंग को एक लोड लेके चलता है जी, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए एक सिस्टम बनाया था हमने। चलो सब लोगों के पास जाएगा, अपील करेंगे जी वोट करो वोट करो वोट करो, काफी हद तक भाइयों ने करा भी है। और अगली बार के लिए, चलो इस बार तो इलेक्शन हो गया, अगली बार के लिए फिर प्रार्थना सारे भाइयों से, वोटिंग जो है ना अपना भविष्य तय करेगा, बड़का का भविष्य तय करेगा। छोटी मोटी बात चलो एक दिन की छुट्टी मिलकर रेस्ट करना, ऐसा नहीं करना, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बिल्कुल। अच्छा इन्हू और बताया जिन्हू कितने रिश्तेदारों ने कहेगी तेरा खसम तो पागल हो लिया। कोई नहीं बोलता भैया ये मजाक क्या बता रही ना, मजाक के नेचर, मेरी शादी हुई ना तब से ऐसा ही मजाक के नेचर है। अच्छा। तो मेरे जितने भी रिलेटिव है सबको बताया कि वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, अगर अब बढ़ते तो यूँ कहते हैं कि यार पागल हो गया है, न्यू हो गया है, सही बात है ना। तो बस देखो, ये तो बहुत सारी लड़कियां अपने देखने भी लग रही है, क्या कहना चाहोगे भैया? मैं यही कहना चाहूंगी जो अनमैरिड लड़कियां हैं या मैरिड लड़कियां हैं वो आपस में भाई अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनाए, प्यार बनाए रखे, जो अपना परिवार है उसको एक करके चले, है ना। वो यूँ ना समझे कि परिवार बोझ है, है ना। इकट्ठे होके रहने में जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है गिल साहब, थैंक यू। ठीक है, लो भाई छोड़ो, लो भाई छोड़ो, बाय 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 बाय।